Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So BNI5, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA'ite. Yes, I am an IFA'ite. Design your future. स्थानीय नगर निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर प्रत्याशियों का भविष्य तय करने जनता मतदान करने पहुंची। वार्ड 37 के पार्षद और महापौर प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। अपने मतदान से अच्छे और सच्चे विकासशील व्यक्ति को चुनने की बात जनता कर रही है। नेता ईमानदार, कर्मठ और सेवा कम से कम कर सके। पब्लिक को पहले तो पाँव छीने आते हैं और उसके बाद तो बस दर्शन ही नहीं होते, तो ये गलत बात है। हाँ, जैसा मतलब पहले आके वायदा करते हैं वैसे निभाना चाहिए। ये थोड़ी कि सीट पर बैठ गए और अपना पैसे वसूल करते करें, नहीं। पहले भी पार्षद और नेता क्या होते हैं, महापौर रहे हैं। नहीं, बहुत बुरा हाल था। हम तो अभी बता दें कि हमारी गलियाँ देखो, जाके हर चीज़ देखो, बहुत परेशान है। ये सोच के आए कि भाई हमारे विकास हो कॉलोनी के अंदर और शहर में ही विकास हो। हम तो उस पार्षद को देखना चाहते हैं क्योंकि ये तो एक व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन जो पिछले पार्षद रहे, जो पिछले महापौर रहे, उनसे कितनी जनता संतुष्ट है? नहीं, पिछले कहीं पार्षद से थोड़ी सी जनता रुष्ट है। क्या कारण है कि रुष्ट है जनता पिछले पार्षद? उन्होंने कुछ काम नहीं किया बस। पूर्व पार्षदों से परेशान जनता ने नए पार्षद बनाने का मन बना लिया है। मतदाताओं की माने तो झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। वार्ड 37 के क्षेत्र के मतदान के केंद्रों पर नज़र डालें तो कई पार्टियों के एजेंटों के टेबल खाली पड़े दिखाई दिए। अपने मत अधिकार का उपयोग करने गए मतदाताओं को मतदान करने का मौका नहीं मिला और अपनी व्यथा 7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से बयां की। हमारे को ये समस्या आ रही है, पहले तो हम घर से इतनी दूर से आए हैं, उसके बावजूद हमारे को ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे घर में लिस्ट नहीं आई, लिस्ट के बाद अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं वोट डालने, तो उसके बाद हमारे को लिस्ट में क्या, हमारा नाम ही नहीं आया है। बताओ, हम इतने उत्साहित हो रहे हैं कि हमारे को वोट डालने का मौका मिल रहा है और वोट ही नहीं डाल पा रहे हम। पड़ोस में किसी का भी वोटिंग नहीं है, पूरी गली में किसका नहीं है, हम लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज से। प्रशासन का निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराने की योजना को भाजपा के पूर्व पार्षद ध्वस्त करते नजर आए। मतदान केंद्र तक भाजपा पूर्व पार्षद की गाड़ी मतदाताओं को छोड़ती दिखाई दी। वार्ड 37 से बसपा प्रत्याशी के पति सतीश पारासन ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। नहीं, निश्चित ही रुझान तो हमारे पक्ष में है, देख रहे हैं माहौल बना हुआ है, पब्लिक साइलेंट है। मतदाता ये कहूँगा, ये लोकल वोट होता है तो इसे पब्लिक मतदाता साइलेंट है, पर रुझान हमारे पक्ष में ही, निश्चित हमारे पक्ष में ही आएगा। पर प्रशासन की मंशा पूर्ण तरीके से बेईमानी की है। 8 दिन तक जो पहले लिस्ट थी उसमें कुछ है और अंदर कुछ लिस्टें हैं। एक एक भाग संख्या के दो दो जगह वोटर हैं, उनको एक योजनाबद्ध तरीके से उनको हटाया गया है। और जो हमारे जाट अब बाहुल्य क्षेत्रों को पूरे से पूरी बस्तियों की बस्तियाँ गायब हैं, तो ये प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है। हम प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, शासन पर आरोप लगाते हैं, ये उनकी एक मंशा का अनुकूल एक रूप है और पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के विरोध में ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कि इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। हमारे लोग फिर भी जागरूक हैं और अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। वार्ड 37 में सीधी बसपा और भाजपा के प्रत्याशियों में टक्कर दिखाई देती है। बसपा के नेताओं की माने तो वार्ड 37 से बसपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रही हैं। देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान सीधा सीधा हो गए। आप देखो, यहाँ भीड़ चल रही है चकाचक और सुबह से लेके मतदाता घरों से निकल आया है। वार्ड नंबर 37 निकला जीता से कमलेश शर्मा, ये समझ लो लगभग 90% विजय हो चुकी और सिर्फ अब तो मतदान में फॉर्मेलिटी रह जाएगी। भीड़ बढ़िया चल रही है, जनता का आशीर्वाद पूरी तरह। क्या कारण मानते हैं कि जीत? देखिए, जनता को कोई ये सोचे कि पब्लिक मूर्ख है और वोट ले जाए उसके बाद में वो उनसे उनके कार्य ना करें तो पब्लिक उसको बदल देती है। और इस बार जनता का रुझान, जो पूर्व पार्षदों ने काम नहीं कराए
उसकी उनको सजा देगी और पार्टी सभी लोग पूरी जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है और कमलेश शर्मा इस बार वार्ड नंबर 37 नगलाईता से विजयी हो रही है। वहीं मतदान करने आ रहे मतदाताओं में GST, नोटबंदी और बढ़ते भ्रष्टाचार झूठे वादों के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी और मतदाता झूठे वादे करने वालों और भ्रष्टाचार बढ़ाने वालों से निजात चाहते हैं। जो वोट देने जनता निकली है आज भ्रष्टाचार GST और जो नोटबंदी की है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ वोट मतदान करने का काम कर रही है आज की जनता। आने वाले समय में मेयर और पार्षद सारे के सारे ईमानदार छवि के होंगे और ये 30 साल से निगम पे कब्जा जमा के बैठे हैं, प्रति वर्ष 700 करोड़ के बजट को खा जाते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से। आगरा को नरक बनाने का इन्होंने काम किया है। आने वाले समय में आगरा पर्यटक नगरी है और अव्वल दर्जे पर सफाई सुथराई और विकास के काम पर अव्वल रहेगी। मतदान दिवस पर मतदान कर प्रत्याशियों का भविष्य EBM में बंद कर दिया गया है। 1 दिसंबर को खुलेगा जादू का पिटारा। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो 1 दिसंबर को ही तय होगा। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।